विद्रागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उगस्तायाणं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमकारो सब पापनाशनो मंगलानंच सबे सिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मित्रा शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। निजस्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतम सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंदे
त्रिशकोटि देवगण भीष्मजिताचे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम सिद्ध स्वरूपे मूर्तमो गलती भूल को माफ दो सदबूत हो निश्चय में अभिप्रूति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित भद्र भी दुख न हो ऐसी स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद नमस्कार सबके तरफ से अभी हम लास्ट वीक के अंदर पूरा मतलब लास्ट संडे से लेके अभी तक हम जिस प्रकार से नेचुरल एनवायरनमेंट में थे और वहां न कोई पब्लिक की कोई भीड़ भाड़ थी न ही कोई बाजार था और न ही कोई वाहनों की आवन जावन थी और ऐसे जंगल के अंदर रिसोर्ट्स के अंदर हम वहां रुके हुए थे तो वहां का जो वातावरण है नेचुरल एनवायरनमेंट आकाश पहाड़िया ग्रीनरी पेड़ पौधे बारिश आना पानी को बहना ये सब जो परिस्थितियां थी नेचुरल तो जिस प्रकार से उनको देखते हैं
अपने आप अपनी प्रकृति सहज बन जाती है, क्योंकि नेचर सहज है, नेचर में राग द्वेष नहीं है। ये जो कुदरत का नेचर बनाया हुआ नेचर है, इसमें राग द्वेष नहीं है। ये मेन मेड प्रकृति है जो कर्म और कर्म फल के रूप में है, उसमें राग द्वेष है। तो जितनी हमारी प्रकृति कुदरत के साथ जुड़ती है, इतना अपने आप हम सहज बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई हर व्यक्तियों को तो ये कुदरती वातावरण में जाने का संजोग नहीं मिलता है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए भी यह अध्यात्म विज्ञान के अंदर उत्तर है। हर अवस्था को जैसे कुदरत सहज है, सहज का मतलब होता है कुदरत की कोई अवस्था के अंदर मालिकीपन और कर्ता भाव नहीं है, और सहज दिन रात होते रहते हैं, ठंडी गर्मी बारिश होती रहती है, भरती ओट होता रहता है, सूरज का उदय अस्त होता है, चंद्रमा ये स्टार मून ये सब कुछ दिखता रहता है, पानी बहता रहता है, समंदर अपना काम करता रहता है, पेड़ पौधे अपने आप काम करता है, तो ये सब सहज है। मगर हमको इस एनवायरनमेंट हम नहीं देख पाते हैं, या तो वहां तक नहीं जा पाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए यही बात है, हम मन वचन काया खुद का और मन वचन काया दूसरे का, सभी को जब हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे, यानी मालिक के भाव और कर्ता भाव से मुक्त देखेंगे, तो हमारे लिए सभी जगह कुदरत ही है, चाहे नेचुरल है चाहे अननेचुरल नेचर है, मगर हम कुदरती रचना के रूप में देखते हैं, तो यही हमारे दृष्टि की साहजिकता है। और इसीलिए ये विज्ञान को डाइजेस्ट करना, समझना, उपयोग करके अनुभव करना, जितना कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखोगे, अपने आप आपका पुरुषार्थ सहज बन जाएगा। सहज का मतलब होता है जिसमें कर्ता भाव, मालिकी भाव, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ नहीं होता है, वो सहज है। और इसीलिए इस प्रकार की जो हमारी प्रकृति है और सामने वाले की प्रकृति है, दोनों की प्रकृतियों को जब हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे, तो फिर मालिकी भाव और कर्ता भाव नहीं रहेगा, और यही सहजता की निशानी दृष्टि के अंदर है। प्रकृति यानी मन वचन काया सहज होवे या न होवे, वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। मगर प्रकृति को देखने वाली जो हमारी दृष्टि है, जिसको हम ज्ञान दर्शन कहते हैं, वो ज्ञान दर्शन के अंदर हमारी प्रकृति या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की प्रकृति को अगर हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे, तो अपने आप हमारी दृष्टि सहज बन जाएगी। तो इसीलिए ये मैंने आप सबके सामने ये अनुभव पेश किया, ताकि आपको अपने जीवन में कोई भी अवस्था में, कोई भी परिस्थिति में, आप अपने आप स्वयं ये अपने ही ज्ञान दर्शन से सहज रह सको। तो इसीलिए ये विज्ञान आखिर दृष्टि को सहज करने के लिए है, ज्ञान दर्शन को सहज करने के लिए है, उपयोग पुरुषार्थ अनुभव को सहज करने के लिए है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों का समाधान पाए और खुद ही ये विज्ञान प्राप्त करके, समाधान प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करके, यही अनुभव दूसरे को बांटने की कोशिश करें, कम से कम भाव करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। श्री राम। हेलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। तो एक्चुअली मैं हैदराबाद से हूँ और 3-4 मंथ से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है। हैदराबाद से? जी हाँ, हैदराबाद। और तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ज्ञान का एप्लीकेशन तो हो रहा है, पर ओनली अवस्थाओं में ही हो रहा है। जैसे खाना खाया तो फाइल नंबर 1 अलग है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो या फिर ऑफिस का काम किया तो ऑफिस का काम वो अवस्था है और मैं अलग हूँ, ऐसा। लेकिन मिनट बाय मिनट ऐसा मुझे नहीं हो रहा है, ओनली अवस्थाओं में हो रहा है। तो जैसे आपने बोला कि सभी तत्वों के अकॉर्डिंग भी देखना है, तो इसको मैं स्पीडी इम्प्रूव करने के लिए कैसे करना चाहिए? यस यस, मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। देखो, पहली बात यह है कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर जब आप पुरुषार्थ की बात आती है, पहले अवस्था को आप मैक्सिममली कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करो। अपना मन वचन काया हो या दूसरे व्यक्ति का मन वचन काया, सभी अवस्थाओं को मैक्सिमम कुदरती रचना देखने का प्रयास करो। ये सब कुदरती रचना है, यानी न कोई क्रिएटर है, न कोई ओनर है, न कोई बनाने वाला है, न कोई चलाने वाला है, यानी इंसान के रूप में ये सब कुछ जो हो रहा है वो नेचर मेड है, कुदरती रचना। हमारा मन वचन काया भी जो चलता है वो भी कुदरती रचना है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया भी कुदरती रचना है, अपनी मर्जी से नहीं चलता है। तो ये पहला स्टेप है आध्यात्म विज्ञान में जी। दूसरा स्टेप आता है, ये कुदरती रचना कैसे बनती है? तो वो लॉ ऑफ नेचर से बनती है। जो आपने पिछले अवतार में कर्म किया है उसके फल स्वरूप कुदरत की कानून के मुताबिक हमारे मन वचन काया की या दूसरे के मन वचन काया की अवस्था बनती है। दिस द सेकंड स्टेप। ओके, एंड द थर्ड स्टेप, ये कुदरती रचना और कुदरती कानून अवस्था कैसे बनाती है? तो 6 तत्वों से बनाती है, जिसका एक नाम है कुदरत। रिलेटिव, रियल यानी जड़, चेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। तो ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है। ये अवस्थाएं दिखती है वो भी 6 तत्वों से बनी हुई है, और हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है, यानी कुदरत तो है। ये कुदरत कुदरती कानून के मुताबिक कुदरती अवस्था बनाती है, जिसको हम कहते हैं कुदरती रचना। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस। इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर जाने का, एकदम जंप लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गो स्टेडीली स्टेडीली साउंडली एंड स्ट्रॉन्गली आप आगे बढ़ो, एकदम जंप करने की जरूरत नहीं है। जितनी हो सके इतनी अवस्था को कुदरती रचना को देखना कोशिश करो। ये मिनिमम है, मिनिमम पुरुषार्थ है हमारा, बेसिक पुरुषार्थ, फंडामेंटल पुरुषार्थ। यस, उसके आगे आएगा कि ये रचना क्यों, कानून होगा, कुदरत का कानून, किसका? कोई धर्म का नहीं, संप्रदाय का नहीं, गुरु का नहीं, भगवान का नहीं, संस्था का नहीं, सिर्फ कुदरत का कानून जो सबके लिए एक पर लागू होता है। तो ये कानून से ये अवस्था बनी है, और ये अवस्था के अवस्था किन तत्वों से बनी है? तो 6 तत्वों से बनी है। जी, इसीलिए कोई भी चीज के अंदर कोई भी व्यक्ति के पास कोई भी प्रकार की फ्रीडम है ही नहीं। हाँ जी, समझ में आया? जी स्वामी जी, जी हाँ। और फ्रीडम नहीं है तो फिर ब्लेम क्लेम करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ करेक्ट जी। और इसीलिए कहते हैं कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना, कुदरती रचना। ओके, और जिस प्रकार से वेदांत में लिखा है कि पिंडे सो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड में 6 तत्व है वही हमारे पिंड में है, और जो पिंड में 6 तत्व है वही ब्रह्मांड में है। ओके, समझ में आया? जी जी स्वामी जी।
तो लाइक जैसे क्योंकि अपना जो बॉडी है जैसे कहीं से सुनाई भी देता है, हम बोलते भी है, मतलब मन वचन का है, ऑलवेज कुछ ना कुछ करते रहता है. तो उन सारी अवस्थाओं से मैं अलग हूँ, ऐसा मैं देख मिनट बाय मिनट मैं उसका भी स्लोली प्रयास कर सकता हूँ, है ना? ऑफ कोर्स, ओके okay. ये देखते का है, समझते, ये विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन, इट इज नॉट ओके ओके कनेक्टेड विथ योर एक्शन। विजन का ओके मतलब होता है हर अवस्थाओं को देखने की दृष्टि, कला, आर्ट जी ओके ऐसी होनी चाहिए जिससे हमको अज्ञान का खत्म हो जाए। जी हाँ समझ दैट इज द पर्पस ऑफ अ स्पिरिचुअल साइंस। ओके समझ ओके बहुत बहुत या धन्यवाद जय सच्चिदानंद. यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? लाइक या वन मोर स्मॉल क्वेश्चन, जैसे या हम सिमंदर स्वामी को ही पूजा करना चाहिए, उनका लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए तभी मोक्ष होगा, या मतलब दूसरे वेज भी होते हैं मोक्ष में जाने के लिए, मतलब मोक्ष कैसा होता है? देखो, स्पिरिचुअल साइंस में कोई व्यक्ति का इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओके मगर ये लाइव तीर्थंकर महाविद्या क्षेत्र में है, उनका भरत क्षेत्र के साथ गुणानुबंध है, और इसीलिए हम एज आ रिस्पेक्ट इनको इनकी भजना करते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आप भजना करोगे तो ही आपका मोक्ष हो जाएगा। नो नो, नॉट कंपल्सरी। अज्ञान ओके मिटाना कंपल्सरी है, अज्ञान मिटा कंपल्सरी है, कि दर्शन को प्राप्त करना कंपल्सरी है। केवल ज्ञान के लिए संजोग तो हमको कुदरत देंगी, ओके ओके और इसीलिए सिमंदर स्वामी को दर्शन करके देंगे तो ही मोक्ष होगा। दैट इज नॉट अ कंसर्न इन अ स्पिरिचुअल साइंस। ओके आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ करोगे तो आपको फायदा है, खाली पुण्य बनेगा। मतलब हाँ अगर मगर पुण्य नहीं बनेगा तो भी अज्ञान मिटेगा तो मोक्ष, तो मोक्ष का संयोग मिल जाएगा। तो ओके यहाँ व्यक्ति का इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना अलग बात है और इम्पोर्टेंट देना अलग बात है। ओके तो जैसे हम स्पिरिचुअल साइंस यूज करेंगे तो कुदरत अपने आप हमें सारी वो अवस्थाएं और सारा अपने मार्ग बताता जाएगा, अपने आप खुद हो जाएगा, ऐसा आप कह रहे चाहते हैं? ऑफ कोर्स, ओके हाँ सिमंदर स्वामी का जन्म हुआ उससे पहले भी अनंत लोग मोक्ष में चले गए हैं, करेक्ट करेक्ट और उसको निर्वाण के बाद भी बहुत जाएंगे। जी जी स्वामी जी. सो द साइंस इज नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल पर्सन। ऑफ कोर्स ओके वी रिस्पेक्ट द ग्रेट ग्रेट पर्सन, देयर इज नो डाउट, बट कंडीशन नहीं है कि आप इनको वंदन करोगे, दर्शन करोगे, जी मानोगे तो ही मोक्ष होगा। दैट जी इज नॉट स्वामी कंडीशन। ओके स्वामी जी थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. जय सच्चिदानंद. यस प्लीज नेक्स्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। स्वामी जी, पिछले सत्संग ने आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि जगत निमित्त निर्दोष और शुद्ध देखना है, लेकिन हमारी गलती क्या होती थी कि हम अपने आप को निर्दोष नहीं मानते थे। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छे से, बढ़िया से, आपकी कृपा से समझ में आ गया स्वामी जी कि वी हैव टू रिमेन लाइक अ ऑब्जर्वर, कि राइट, थ्रू आवर विजन, थ्रू आवर विजन, के कुदरती रचना ही है, तो उसमें फाइल नंबर एक भी कुदरती रचना है। ये आपकी कृपा से बहुत अच्छे तरह समझ में आ गया स्वामी जी। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। ये अभी हम एने सु कहवा आपणे गुजराती में घूंटवानी कोशिश करिए छे स्वामी जी। सर सर फाइन फाइन तो वो क्योंकि फाइल नंबर एक तो डिस्चार्ज। हाँ स्वामी जी बोलिए ना। और कोई प्रश्न है? हाँ, तो ये फाइल नंबर एक को डिस्चार्ज, खाली चार्जिंग में हमको अवेयर रहना है, जागृति रखनी है। बस बस, चार्जिंग में हमको यही बात करना है कि भी मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं, और ये मन वचन काया और उनकी जो अवस्थाएं हैं जो पांच इंद्रियों से अनुभव में आती है, यह सब कुदरती रचना है। यही हमारे ज्ञान और दर्शन में होना चाहिए। स्वामी जी तो हम अपना अवस्था। हाँ स्वामी जी, तो
तो 24/7 हम कुदरती व्यवस्था देख सके ऐसे आप हमें आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्री राइसन भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है स्वामी जी? जितना जितना अज्ञान का नाश होता जाएगा उतना माइंड का रेवोल्यूशन बढ़ता जाए रहेगा। ओके माइंड अपने माइंड मत बोलो विजन बोलो। विजन की ब्रॉडनेस बढ़ेगी, ब्रॉडनेस डीपनेस शार्पनेस बढ़ेगी, ऐसा बोलो। माइंड माइंड इज अ मैकेनिकल माइंड। बोलिए बोलिए। तो विजन का रेवोल्यूशन बढ़ता जाएगा और केवल दर्शन प्राप्त होने पर उसका जो विजन का जो रेवोल्यूशन है वो इनफिनाइट हो जाएगा जितना के आत्मा का है। आत्मा में रेवोल्यूशन नहीं होता है। आत्मा में तो प्रकाश है, स्व पर प्रकाशक है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जितने जितने अज्ञान के कर्टेन दूर हो जाते हैं आपके विजन की ब्रॉडनेस बढ़ती है। और आत्मा में तो इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट विजन है। ओके तो ये तो हमारी अज्ञानता दूर करते 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 हमारे विजन की ब्रॉडनेस बढ़ती है। ब्रॉडनेस बढ़ेगी विजन की, लेकिन जब आदमी केवल ज्ञान की स्थिति में होते हैं तो उस समय उसको देखने जानने वाला जो हमारा है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होता है, मतलब उसका अनुभव करने वाला। तो उस विजन उसकी भी अपनी विजन है जो कि उनकी विजन है, मगर हेल्प है ना आत्मा के प्रकाश की, हेल्प है ना, अनकवर है ना। हाँ तो जब अगर उनकी विजन इतनी क्षमता वाली होगी तभी तो वो उसका अनुभव कर पाएगा शुद्ध आत्मा का। नहीं शुद्ध नहीं कर पाए, शुद्ध आत्मा तो स्व पर प्रकाश है और स्वयं ही अनुभव करता है। प्रतिष्ठित आत्मा शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता है, मगर शुद्ध आत्मा के अंदर जो स्व पर प्रकाशक का जो उनका क्वालिटीज है उनका बेनिफिट लेके वो आंसर दे सकता है। लेकिन आंसर देने वाला जो है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा ही है ना। ऑफ कोर्स बॉडी है ना उसकी। यस। अच्छा जो ज्ञानी पुरुष जो है वो एक समय में बहुत सी अवस्थाएं प्रेजेंट में देख सकता है। ओके जब वो प्रेजेंट में देख सकता है इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो विजन है केवल दर्शन के बाद वो बहुत हाई रेवोल्यूशन की हो गई है, जो कि जो हमारा आत्मा जो है केवल ज्ञानी की जो आत्मा है जो कुछ भी वो प्रकाशित करता है उसको केवल दर्शन प्राप्त किया वो आदमी जिसमें अज्ञान जीरो है वो उसको एज इट इज हर चीजों को देख सकता है। यस ये देख सकता है, यू आर राइट। अच्छा जैसे कि कोई भी अवस्था है उसका बिगनिंग और एंड अवस्था का, चाहे वो अवस्था कई साल की हो चाहे वो अवस्था कुछ मिनटों की हो, तो वो अवस्थाओं को इन प्रेजेंट बिगनिंग एंड एंड देख सकता है, वो वर्तमान में देख सकता है। मैंने इसको ऐसे समझा था जैसे एक ऑब्जर्वर किसी फास्ट ट्रेन में बैठा हो तो स्टेशन का बिगनिंग और एंड उसको प्रेजेंट में नजर आएगा, एकदम से नजर आ जाएगा। यस। अच्छा जो स्पेस है स्पेस जो है ना दैट इज थ्री डायमेंशनल सिस्टम, थ्री डायमेंशन स्पेस के, एंड दी फोर्थ डायमेंशन इज टाइम, या यूं कहें कि थ्री डायमेंशंस आर ऑफ स्पेस, थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस एंड दी फोर्थ कोऑर्डिनेट इज टाइम।
तो जो टाइम समझ गया, तभी हमें टाइम से पता लगता है कि ये घटना जिसको के केवल ज्ञानी देख सकते हैं वो स्पेस में वो घटना है हमारे स्पेस के अंदर, और ज्ञानी पुरुष जो है अपने मतलब है जो बॉडी जो है ज्ञानी पुरुष की ज्ञान आत्मा के प्रकाश के अंदर उसको एज इट इज प्रेजेंट में देख सकती है। इट इज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द विजन। हाँ, मगर वो आत्मा नहीं, बोलो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, मैं आत्मा नहीं बोल रहा हूँ, मैं विजन मतलब है कि जो के बॉडी के अंदर विजन है वो देख सकता देख है। अच्छा जो टाइम है, सपोज एक कोई घटना है, जैसे भावी तीर्थंकर हैं हमारे जो अभी आएंगे, केवल ज्ञानी उनको एज इट इज उनकी सब घटनाओं को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जो टाइम है कि कितने समय के बाद होगा, इज दैट डिसाइडेड बाय द नक्षत्र जो उस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं। तो कैसे ये बताएंगे कि 2,00,000 साल के बाद ये ज्ञानी पुरुष इस दुनिया में होंगे और उनका ये लाइफस्टाइल होगा, तो ये नक्षत्र उनको टाइम जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो टाइम है, टाइम नक्षत्र से डिसाइड होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बताऊं मैं आपको कि कोई भी एक प्रकार के बीज से उनका लाइफ डिसाइडेड नहीं होता है, उनके लिए बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस चाहिए। तीर्थंकर का मतलब नहीं होता है कि भावी तीर्थंकर की लाइफ डिसाइडेड हो गई। वन ऑफ द एविडेंस इज डिसाइडेड बट ऑल अदर एविडेंस इज स्टिल रिक्वायर्ड, वहां तक वो नहीं बनेंगे, आप समझे ना? तो कहने का मतलब यह है कि भावी तीर्थंकर का बीज का मतलब ये मत मानो कि उनका डिसीजन हो गया कि उनकी लाइफ कैसे आएंगे। वो तो अगले दो तीन अवतार के अंदर ही पूरे लाइफ डिसाइड होती है। पूरी दो तीन अवतार से पहले उनकी लाइफ डिसाइड होती है कि आखिर तीर्थंकर बनेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, उनकी लाइफ क्या होगी, कितने साल का होगा आयुष्य, ये सब कुछ डिसाइड ऐसे होता है। तो अभी से कुछ नहीं होता है इसमें, तो बहुत सारे जन्म बीच में बहुत आते हैं, मनुष्य भाव भी बहुत आते हैं। केवल दर्शन के बाद डिसाइडेड हो जाता है। भावी तीर्थंकर का बीज डालने से लाइफ डिसाइडेड नहीं होती है, केवल दर्शन होता है तो होता है, क्योंकि केवल दर्शन के बाद सिर्फ एक ही मनुष्य भाव बाकी है। भले 2-3 बाकी होगा, अवतार बाकी होंगे, मगर उसमें मनुष्य भाव तो एक ही होता है। यानी केवल दर्शन के बाद जितने भी भाव है वो सब डिसाइडेड है, क्योंकि केवल दर्शन के बाद नए कर्म तो होते नहीं है, और पुराने कर्मों के हिसाब से 1, 2 या 3 अवतार होने बाकी है तो वो हो जाएंगे, मगर इट इज डिसाइडेड, अभी कुछ प्लस माइनस नहीं होने वाला है। तो उनके लिए केवल ज्ञानी बता सकता है। लेकिन मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि किसी केवल ज्ञानी ने तो बताया है कि वो तीर्थंकर होंगे, उनका ये माता पिता होंगे, लाइफस्टाइल होगा, तो उनका जो अवस्थाएं हैं वो कुदरत के अंदर अवस्था के रूप में स्पेस के अंदर हैं, और उनका समय जो है वो नक्षत्रों के आधार पे है कि उस समय क्या तारा नक्षत्र होंगे, वो क्या समय होगा उस समय में, बिकॉज नक्षत्रों की चाल जो है ना वो दैट इज ऑल प्री डिसाइडेड, 100 साल के बाद क्या स्थिति होगी समय की, तो समय इज डिसाइडेड बाय नक्षत्रास इन दिस स्पेस, क्योंकि समय तो मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में उस समय क्या नक्षत्र की स्थिति होगी, क्या वो समय उससे आधारित निर्धारित होता है? मतलब है अगर आप जैन शास्त्र मतलब मैंने जो सुना हुआ है कि 24 तीर्थंकरों के नाम सब कुछ डिसाइडेड हो चुके हैं, एंड इसका मतलब यह है कि स्पेस के अंदर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है,
और जिसको के ज्ञानी पुरुष देख सकते हैं और बता सकते हैं। नहीं नहीं मत बताओ, बताओ जो आपने प्रश्न किया ने कि भी अभी तीर्थंकर होने वाले हैं, वो सभी तीर्थंकरों की डेट भी मालूम है शास्त्रों में, बराबर है? हाँ जी। तो कहने का मतलब होता है ये सभी की केवल दर्शन के बाद की अवस्था है, और वो नर्क गति में या देवलोक में लाखों साल का आयुष्य खत्म करके या मनुष्य में तीर्थंकर बन के फिर मोक्ष में, इट इज डिसाइडेड। अभी उनके बहुत सारे जन्म मरण बाकी नहीं है, समझ में आया? हाँ जी। केवल दर्शन के बाद किसी का भी भाव और निर्वाण सब डिसाइडेड होता है। आप कर केवल दर्शन तीर्थंकर हो या केवली हो, सबके बात बता। इसका मतलब है भावी, जितने भी भावी तीर्थंकर हैं उन सब को केवल दर्शन ऐसा नहीं बोल सकते, केवल दर्शन हो चुका है सबको, उन सबको केवल दर्शन नहीं, हो नहीं, 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 नहीं। तो फिर वो कैसे बता दिया का मतलब शास्त्रों में कैसे बताया? भावी तीर्थंकर का एक मिनट, भावी तीर्थंकर का मतलब नहीं होता है कि उनको केवल दर्शन हो गया यानी अज्ञान खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ जी, तीर्थंकर का बीज डालना एक अलग चीज है और संपूर्ण अज्ञान मिटाना वो दूसरी बात है, बोथ आर नॉट इक्वल। समझ में आया? अगर मैं चक्रवर्ती का बीज डालता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अज्ञान सब खत्म हो गया। अगर मैंने तीर्थंकर का बीज डाला है मतलब ये नहीं कि अज्ञान खत्म हो गया, मैंने एक बीज डाला है, हो सकता है उनको मैच्योर होने में बहुत समय लगेगा, बीज डाला है वो बराबर है, तो सत्ता में रहेगा नहीं चला जाएगा, मगर इसको परिपक्व होने में तो बहुत समय लगेगा। जहां तक मैं अज्ञानी हूं यानी अज्ञान मेरे अंदर पड़ा हुआ है वहां तक तो तीर्थंकर बनना मेरे लिए संभव नहीं है, और मेरा बीज जो है वो पेंडिंग रहेगा। ठीक है, तो बीज तो रहेगा कहीं। आप देखो, आप अभी दादा की परंपरा के अंदर महात्माओं को जानते हैं, और कहीं सारे महात्मा ऐसा है जो कहता है तीर्थंकर तीर्थंकर बनना है। हाँ जी, हमको एक दो अवतार में मोक्ष में जाना है, हमको महाविद्या क्षेत्र जाके एक दो अवतार में मोक्ष में जाना है। तो ये भाव करना तो सबको अधिकार है, मगर रिजल्ट कुदरती कानून से मिलता है, अपनी मर्जी से नहीं मिलता है। नहीं, वो तो वो बात आपकी ठीक है, वो मैं समझ गया सब आपकी बात कह रहे हैं, लेकिन लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जैन शास्त्र ने किस आधार के ऊपर भावी तीर्थंकरों की जीवनी लिख दी, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। या तो वो अवस्थाएं, मैं वही कहता हूँ, अवस्थाएं स्पेस के अंदर हैं वो अवस्थाएं, और वो जन्म काल तिथि सब कुछ बता देते हैं कि वो नक्षत्र के आधार पे बता सकते हैं कि ये अवस्था जो है नक्षत्र के हिसाब से कब आएगी। एक मिनट देखो, आपने जो भावी तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया और जो डिसाइडेड तीर्थंकर है 1 से 24 जो होने वाले हैं, वो तीर्थंकर अलग होता है, और जिसको आज टाइटल मिलता है कि ये भावी तीर्थंकर होने वाले हैं वो अलग चीज है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। समझ लो, अगर दादा भगवान ने कहा ये भावी तीर्थंकर है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हाँ जी, अगर ये भावी तीर्थंकर है और जैन शास्त्रों में लिखा है कि 1 से 24 तीर्थंकर ये होने वाले हैं, ये दोनों हाँ भावी तीर्थंकर का डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है। हाँ जी, समझ में आया? जो 24 होने वाले हैं उसको केवल दर्शन हो चुका है, जो 24 एक ही मनुष्य भव बाकी है, जो उनका सबका एक ही मनुष्य भव बाकी। अच्छा, हाँ मैं वही कहता हूँ, आप सुनिए सिर्फ, जो 24 तीर्थंकर होने वाले हैं उनका एक ही मनुष्य भव बाकी है। ओके, ठीक है सर। ओके, सो नो डिफरेंट कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, इन बिटवीन हो सकता है कि नरक गति का कर्म बाकी हो सकता है 10 लाख का,
देवलोक का भी 10 लाख का मालूम होता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आई एम नॉट श्योर, मगर मनुष्य एक ही बाकी है, ओनली वन। और अभी जो भावी तीर्थंकर का जो टाइटल दिया गया, उनको तो अभी अज्ञान खत्म करना है। नहीं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो दादाजी ने कहा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो शब्द प्रयोग में जो आपने भावी तीर्थंकर बोला, तो यहाँ सुनते हुए सभी महात्माओं को कंफ्यूजन न होवे, इसीलिए मेरे को ये क्लैरिफिकेशन करना जरूरी था। हाँ, अच्छा, आप समझे ना, हमारे हमारे दादा भगवान के पंथ में भावी तीर्थंकर शब्द प्रचलित है कि नहीं? हाँ जी है। हाँ, तो उसमें यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने क्लैरिफिकेशन किया। हाँ, वो मैं नहीं जोड़ता हूँ, वो तो मेरे को क्लैरिटी है। नहीं, आप नहीं जोड़ते हैं, आप नहीं जोड़ेंगे, मगर आपने प्रश्न किया भावी तीर्थंकर का। हाँ, तो कोई महात्मा जोड़ सकते है ना, कि आपने उसके लिए बताया है। हाँ ठीक है, तो मेरा तो इसीलिए मैंने क्लैरिफिकेशन किया, नहीं, मेरा ये कहना था स्वामी जी कि जो समय निर्धारित किया है, क्या उसके लिए ज्ञानी पुरुष जो है केवल ज्ञानी नक्षत्र देख करके समय निर्धारित करते हैं, क्योंकि उनको केवल दर्शन सबको हो चुका है, उनकी जो जीवनी जो है उनके आगे खुली है, तो जो समय का जो समय और स्पेस स्पेस में उनकी अवस्थाएं हैं, जो भावी तीर्थंकर हैं वो स्पेस में उनकी अवस्थाएं हैं, और समय जो है वो नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित होता है, क्योंकि समय का और तो तरीका कोई है नहीं। नहीं, मैं आपने जो प्रश्न किया वो बराबर है, मगर नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र का जो साइंस होता है मैं इतना नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको। नहीं, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मेरे पास उसका कोई ठोस जानकारी नहीं है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे। जब मेरे पास जानकारी नहीं है तो मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी जी बस। और दूसरे जो है, क्या ज्ञानी पुरुष जो वर्तमान में वर्तते हैं, क्या वो उनका पुरुषार्थ है या चरित्र है? मतलब जो 24 होने वाले उसके अलावा की बात करते हैं? नहीं, अब उनको छोड़ दीजिए, वो तो बात समाप्त हो गई, मैं समझ गया उसको। ओके। दूसरा प्रश्न है, ओके, ज्ञानी का वर्तमान में वर्तना, यह पुरुषार्थ है या चरित्र है, या उसका पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ कब तक रहेगा? पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। वो केवल दर्शन तक रहेगा? जब तक केवल दर्शन नहीं, हाँ, केवल दर्शन तक रहेगा, वो तो कॉमन बात, सबके लिए एक ही प्रिंसिपल है। अच्छा, हाँ हाँ, तो मतलब है कि जिस वक्त भी हम ज्ञानी पुरुष या कोई भी व्यक्ति वर्तमान में रहता है, he has to do पुरुषार्थ, और जब केवल दर्शन के बाद वो स्वभाव हो जाता है उसका। यस यस, यू आर राइट, एग्जैक्टली। ओके जी, दिल्ली में सब कैसा चलता है? बिल्कुल ठीक है, 2 दिन बारिश हुई है और मौसम एकदम, मतलब कोरोना का सब एनवायरनमेंट ठीक है ना, अभी इम्प्रूवमेंट है ना? हाँ, हमारे तो सब ठीक है, बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा। ओके जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बोलिए। मेरी, मुझे आप एक ये बात बोलते हैं बार बार, तो मुझे थोड़ा सा उसको अच्छे से समझना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपने कहा कि भी जो कुदरती रचना है, वो जो कुछ भी हमको दिखता है उसको सब एक पैकेट में देखो, कुदरती रचना। तो ये एक पैकेट कुदरती रचना से मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये, लेकिन इसको पूरी तरह से समझना चाहता हूँ कि भी क्या उसका मतलब है, एक पैकेट में देखने से क्या मतलब है। और उसके बाद फिर मेरी जो, मैंने जो उसको समझा है, उसके बाद मैं आपसे वो शेयर करूंगा
तो लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि इससे क्या कहना चाहते हैं। यस, गुड क्वेश्चन। आपको मालूम है कि दुनिया की कोई भी भौतिक चीज हमको प्राप्त करना है तो इट्स रिक्वायर्ड द मनी इज अ कॉमन फैक्टर, यस और नो? जी। सो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ द मनी देन द मटेरियल, राइट? कोई भी चीज प्राप्त करना है तो पहले बोला पैसा चाहिए आपको, राइट और रॉन्ग? जी। तो इट्स अ कॉमन फैक्टर, कोई भी चीज प्राप्त करना है तो कर सकते हैं, मनी चाहिए, दैट्स इट, इट्स अ कॉमन फैक्टर। ऐसे अध्यात्म मार्ग के अंदर दुनिया कैसी भी है, कोई राग करता है, कोई द्वेष करता है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई युवान है, कोई वृद्ध है, ये सब कुछ है, मगर ये सब कुछ अवस्थाएं कुदरती रचना है, इंडिविजुअल नहीं है, दिखती है इंडिविजुअल मगर है कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो ये कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर को देखेंगे तो हमको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है जी। बात में ये तो फेसिस है, जैसा जिनका कॉज वैसी उनकी इफेक्ट, हम क्यों कहेंगे ये अच्छा ये बुरा है, व्हाई? थ्रू अवर विजन। जब कुदरती रचना बोला तो अच्छा बुरा का तो सब्जेक्ट ही ना नहीं रहा, जब कुदरती रचना बोला तो मेरे को प्राप्ति हुई या लॉस हुआ सब्जेक्ट ही नहीं रहा, जब कुदरती रचना बोला तो मेरी प्रकृति अच्छी है बुरी है या सामने वाले की अच्छी बुरी है सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। और वास्तव में भी ऐसा ही है, कुदरती रचना का मतलब आपकी हर अवस्था इंक्लूडिंग योर ब्रीथ श्वासोश्वास भी कंट्रोल बाय द कुदरत नेचर। तो फिर जब कुदरत का कंट्रोल ही है तो कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? और इसी से तो सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है विदाउट एनी डाउट एंड कंफ्यूजन। तो इसको मैं और कोई तरह और कोई एंगल से एक मिनट और कोई एंगल से देखने के लिए जाओगे दे क्रिएट सो मेनी पजल इन योर लाइफ इन योर विजन, राइट? यस प्लीज नेक्स्ट बोलिए। तो मैं पिछले कुछ दिनों से इसको समझने की कोशिश कर रहा था, मुझे ये मैंने बात दो तरह से समझी कि भाई ये प्रकृति है जिसको कुदरती रचना बोलते हैं, सृष्टि है, इसके अंदर कितने तरह के जीव हैं, कितना मैटर है इसके अंदर, बहुत विशाल है ये, और इसके अंदर एक छोटा सा पीस ऑफ फ्लैश है जो कि जो शरीर है एक छोटा सा मांस का लोथड़ा है, और ये प्रॉब्लम जो हो गई है उसको मैंने ये मान लिया कि ये मैं हूँ, ये छोटा सा मांस का लोथड़ा ये मैं हूँ, प्रॉब्लम वहां से शुरू हो गई है। लेकिन जैसे एक बॉडी होती है, जैसे बॉडी होती है, बॉडी के अंदर करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं और हर सेल अपनी जगह पर फंक्शन कर रहा है, लेकिन एक एक सेल ऐसा नहीं मानता कि भाई ये सेल मैं हूं और मैं ये कर रहा हूं, ये पूरी बॉडी है, बॉडी के कंबाइंड फंक्शन से उस सेल को न्यूट्रिशन मिलता है, उस सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जानी होती है वो सब उस बॉडी के थ्रू उसको जाती है तो एक सेल फंक्शन कर पाता है। इसी तरह से जो ये मन वचन काया है इसको मैं मानता हूं, लेकिन इसको मैं मानने की बजाय एक ऐसे देखें कि भी ये पूरी की पूरी एक सृष्टि है, वो एक सृष्टि है, उसके अंदर जो मैं ये अलग अलग करके मानता हूं कि ये मैं हूं, ये वो है, ये वो है, यही मेरी अज्ञानता है, और खाली एक ये पूरी सृष्टि है, और सृष्टि जो है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, उससे ये शरीर चल रहा है। तो मैं जो सोचता हूँ कि मैं सांस ले रहा हूं तो सृष्टि सांस प्रोवाइड कर रही है, जो मैं सोचता हूँ कि भी जो मैं सोच रहा हूँ ये किसी सर्कमस्टांस के अंदर किसी प्रकार का विचार आता है तो ये विचार होता है। तो ये जो मैंपना जो है इस शरीर के साथ जो एसोसिएटेड है ये टोटली मतलब ये मैं हूं ही नहीं, एक किस्म से ये पूरी सृष्टि ही है, और इस शरीर के साथ में मेरा एक मैंपना बहुत स्ट्रांग जुड़ गया है कि भी जो ये मैं हूं और ये आसपास का ये मेरा है, उसके अंदर जो दिखाई देता है कि ये जो कर रहा है ये बहुत अच्छा कर रहा है, वो जैसे एक सेल दूसरे सेल को देखे वो बोले ये सेल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, सेल्स अपना अपना फंक्शन उनका होता रहता है, और हम ऐसा इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं
कि जो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये ऐसा है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो सारा का सारा इस वजह से है कि भाई ये मैं इस छोटे से मांस के लोथड़े को मैं अपना मान लिया है। पूरी की पूरी एक शरीर को एक शरीर मानेंगे, पूरी सृष्टि को एक सृष्टि मानेंगे, तो ये देहाध्यास में से उस तरह से निकल पाएंगे। लेकिन इसमें से प्रश्न दो खड़े होते हैं मेरे, कि पहले तो ये समझ जो बोलते हैं कि भी जो सृष्टि को एक कुदरती रचना को एक देखो, तो ये समझ एक तो ये पता करना है कि भी ये ठीक है कि नहीं जो मेरी समझ। सेकंड ये कि अगर ये ठीक है तो इसके अंदर से दो प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न में तो मुझे पता चलता है कि उस प्रश्न के अंदर ही थोड़ी अज्ञानता है कि भी जो जैसे तो जैसे सृष्टि है, सृष्टि सब कुछ चला रही है, तो मैं तो सृष्टि का जो पहले मैं मानता था वो तो मैं हूं ही नहीं, उसमें से तो मैं निकल गया, वो सृष्टि का पार्टी हो गया, सृष्टि उसको चला रही है, तो उसमें फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि भी जो फिर मेरा रोल क्या है इसके अंदर, कि भी जो है जो सोसाइटी है ये है उसके अंदर कहते हैं कि समाज कल्याण करो, ये करो वो करो, तो उसमें मेरा रोल क्या है, उसको कौन डिसाइड करता है, तो उसमें मुझे थोड़ा समझ में आता है कि भी ये अज्ञानता है कि मैं, क्योंकि मैं फिर भी मानता हूं कि ये मैं हूं, तो मैं हूं ही नहीं, वो सृष्टि ही उसके अंदर जो भी करेगी वो करेगी। और दूसरा प्रश्न ये है कि भाई जो है जब मैं इसमें से निकल गया, ये तो कुदरत का पार्ट है, कुदरती रचना हो गया, तो फिर मैं कौन हूं? तो बोलते हैं कि भाई मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो शुद्धात्मा हूं ठीक है, लेकिन इस एनालिसिस से, इस समझ से ये पता चला कि जो मैं मानता था कि भाई मैं विनोद हूं, मनवचन काया हूं, वो तो मैं नहीं हूं, वो कुदरत के कंट्रोल में है पूरा और वो कुदरत का ही पार्ट है, तो मैं जो रियली जो शुद्धात्मा जिसको बोलते हैं, व्हाट इज दैट शुद्धात्मा, उसको एज एन एक्सपीरियंस या एज ए समझ उसको कैसे समझा जाए। तो ये अगर सोचते हैं कि भी जो है ये जो बोलते हैं कि भी प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा उसको अलग करके देखें, तो प्रतिष्ठित आत्मा भी अलग करके देखने का मतलब तो क्या, एक किस्म से तो यही हुआ कि एक सेल जो है बैठ के ये सोचे कि भी मैं इस सेल से अलग हूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो एक मेंटल क्रिएशन ही हो गई। तो मैं तत्व रूप से जो शुद्धात्मा हूं, व्हाट इज दैट शुद्धात्मा, इसकी फिर समझ फिर क्या है कि मैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करूं? या बताओ सबसे पहला आपका जो प्रश्न था बॉडी के बारे में, बॉडी की अवस्था, इंटरनल अवस्थाओं के बारे में, सबसे पहले आप ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो श्वास लेते हैं वो श्वास के अंदर भी अनेक जीव हैं जिससे ये बॉडी जीवित है जी। ये बॉडी जो पानी पीती है उसमें भी अनंत जीव है, वो भी आपको मालूम है, जिसके आधार से हम जीवित हैं। जो वनस्पति खाते हैं उसमें भी अनंत जीव है, इससे जो ये बॉडी जीवित है। और इसके अलावा भी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड वगैरह है उसमें क्रिएचर जीव तो है, आप समझे जी। तो इतने सारे जीव है, इतने सारे सोल है, तो कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं बॉडी को चलाता हूं, सिर्फ ये बुद्धि वाला मनुष्य बोलता है कि ये बॉडी मेरी है और मैं चलाता हूं, यही तो अज्ञान है। राइट राइट। अगर कुदरत ने श्वास नहीं दिया तो आप क्या करोगे? राइट नहीं, वो पार्ट तो क्लियर है। ये एक प्रकार की नहीं, मतलब एक प्रकार की अज्ञानता है, और अज्ञानता है तो ठीक है, हम इसको अज्ञानता को मिटाना चाहता है विद साइंटिफिक विजन। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि भाई ये जो मनवचन काया है और आत्मा है और तीसरा प्रतिष्ठित आत्मा है, तो प्रकृति की जो अवस्थाएं अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की होती रहती है, अलग अलग समय पे होती रहती है, तो ये तो साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो पावर जो हमारे घर के अंदर है, जैसे फैन चलता है, रिक्वायर टू नो द ऑल पार्ट्स ऑफ द फैन एंड हाउ इट्स अ फंक्शन, हमको तो लाके फिट करवाना है और ऑन एंड ऑफ ही करना है, वी डोंट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म। तो वो तो अपना ऑन करोगे तो चालू हो जाएगा, ऑफ करो तो बंद हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ द पावर, पावर होना चाहिए दैट्स इट। ऐसे यहां दो प्रकार के पावर है, एक आत्मा का पावर जो परमानेंट पावर है, और दूसरे कर्मों का पावर जिससे अवस्था बनती है जी। तो कर्मों के पावर से अवस्था बनती है, और आत्मा तो कैटालिस्ट है, राइट, उनके हाथ चलता रहता है, जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज पावर, राइट।
और अब नया चार्ज करोगे तो फिर डिस्चार्ज होगा, और कैटालिस्ट तो वही का वही है आत्मा। तो ऐसे कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल चलती है, और आत्मा तो कैटालिस्ट है। आत्मा इज अ परमानेंट पावर एंड कॉज इफेक्ट इज अ टेम्पररी पावर, और टेम्पररी पावर जो है उसका कंट्रोलर कुदरत है, क्रिएटर प्रतिष्ठित आत्मा है, उसका रिजल्ट देने वाला कुदरत है। नहीं, दैट पार्ट इज क्लियर, समझ में आया? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है, दैट पार्ट इज टोटली क्लियर। प्रॉब्लम ये है कि भाई जो मैं मानता था कि भाई मैं विनोद हूं, तो इसको मैं एक कुदरती रचना के रूप में देखता हूं कि पूरा का पूरा कुदरती रचना है, और इसका कंट्रोलर तो कुदरत है, और मैं वो जो विनोद मानता था वो तो उसमें मैंपना है ही नहीं, वो तो मैंपना था, वो अज्ञान वाला है पूरा। तो जो मैं करता हूँ ये मैं हूँ, तो ये पूरी भ्रांति थी, द होल थिंग वॉज भ्रांति। उसका पूरा का पूरा कंट्रोल कुदरती रचना कुदरत के हाथ में है, तो वहां से तो मैं निकल गया। अब वो मैं जो निकल गया, तो अब मुझे फिर यह कि फिर मैं जो हूं ये क्या हूं फिर मैं? तो उसको आपने बताया, दादा भगवान ने बताया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मूल आत्मा हूं, तो वो एक वर्ड्स में पता चला कि मैं मूल आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन वॉट इज दैट? उसका कैसे एक्सपीरियंस हो, क्या हो, उसको कैसे कहां प्लेस करना है? तो वो फिर जब उसमें से निकल गया कि शरीर के अंदर से, और शरीर के कर्ता के रूप में से, और शरीर के भोक्ता के रूप में से निकल गया, तो देन व्हाट इज दैट आई, मैं कहां हूं फिर मैं? तो उसको कैसे समझ में आए और कैसे उसको हम एक्सपीरियंस करें? यस, कोई भी साइंटिस्ट होता है तो उनको मालूम रहता है वन पावर इज परमानेंट एंड द अदर पावर इज टेम्पररी एंड इट्स अ क्रिएट, उत्पन्न होता है नाश होता है, उत्पन्न होता है नाश होता है, एंड द एलिमेंट्स इज परमानेंट। ऐसे आत्मा परमानेंट है, आत्मा का पावर परमानेंट है, आत्मा की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से कॉज बनता है, उसकी इफेक्ट होती है, वो दोनों टेम्पररी है। कॉज एंड इफेक्ट बोथ आर द टेम्पररी पावर एंड द सोल इज परमानेंट पावर। टेम्पररी पावर परमानेंट पावर के बिना काम नहीं कर सकता है, और दुनिया की कोई भी अवस्था छह तत्व के परमानेंट पावर के बिना अवस्था नहीं बना सकता है। यस और नो? मतलब ऐसा सुना है, लेकिन जो छठा जो एलिमेंट है, जो आत्मा है, जो शुद्ध चेतन है, वो क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस में नहीं आता, तो उसको हम, दैट इज अ क्वेश्चन, कि उसको हम कैसे एक्सपीरियंस करें? उसकी वो जो हमको बात बताई गई है, उस सच्चाई को हम कैसे एक्सपीरियंस करें? अदरवाइज इट इज जस्ट वर्ड्स, क्योंकि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि छठा एलिमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि छठा एलिमेंट हो। किसी ने बताया छठा एलिमेंट है, लेकिन ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है, अपने आप पूरा क्रिएशन होता है उससे, इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है। मुझे ये क्या पता कि भी वो छठा एलिमेंट है और मैं उसको कैसे एक्सपीरियंस करूं? तो दैट इज व्हाट इज माय क्वेश्चन, कि अब क्योंकि मैं विनोद हूं, इसमें से तो मैं निकल गया, तो अब निकल गया तो देन वेयर इज दैट सिक्स्थ एलिमेंट, उसको मैं कैसे एक्सपीरियंस करूं? व्हाट इज दैट? यस, नहीं, गुड क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये यहां जो सृष्टि चलती है, इसमें इंडिविजुअल सफरिंग नहीं है। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये भरती होट होती है, दिन रात होते हैं, तो ये धरती है, आकाश है, समंदर है, पहाड़े है, जंगल है, वहां इंडिविजुअल सफरिंग नहीं है। एज अ ह्यूमन यू हैव इंडिविजुअल सफरिंग, तो इट रिक्वायर्स द इंडिविजुअल कॉज। इंडिविजुअल कॉज के लिए, इंडिविजुअल का मतलब होता है वो खुद कॉज करेगा, तो सफरिंग इंडिविजुअल मिलेगा इसको, मगर ये आत्मा की आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है कि हु इज यू आर परमानेंटली एंड टेम्पररी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे लाखों अवतार हो चुके हैं, मेरे भी लाखों अवतार हो चुके हैं, हाउ दे कैन एक्सप्लेन विदाउट सोल? दे कैन एक्सप्लेन? बिना आत्मा बोल सकते ऐसा? क्योंकि बॉडी तो एक ही बार मिलती है, हर बार बॉडी नहीं मिलती है, तो बॉडी का तो रिबर्थ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द सोल आप रिबर्थ बोलते हैं। यस और नो? आई डोंट नो इफ द सोल इज परमानेंट।
अगर एक मिनट अगर मैं कहूंगा कि मेरा 1000 अवतार हुआ, किसका हुआ? वाय अगर आप सोल निकाल दो कैसे बोलोगे आपका 1000 अवतार हुआ, बताइए मेरे को। नहीं मुझे पता नहीं, कोई परमानेंट ऐसा... चीज नहीं होगी। नहीं नहीं कोई परमानेंट चीज नहीं बता होंगे तो आप 1000 अवतार कैसे बोल सकते हैं, मेरा प्रीवियस बर्थ था ऐसा कैसे बोल सकते हैं? Who can decide कि मेरा प्रीवियस बर्थ था, ये बॉडी तो नहीं बोल सकती है। नहीं वो तो उसको तो हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लीजिए कोई मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है तो उसको बना टूट गया, उससे दूसरा मिट्टी का बर्तन, दूसरा बर्तन बन गया, वो फिर मिट्टी वो टूट गई उसी से तीसरा बर्तन बन गया। तो एक, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक फिफ्थ एलिमेंट सिक्स एलिमेंट होना चाहिए ही, इसका हमने मान लिया है, लेकिन उसका जस्ट बिकॉज एक रीबर्थ हो रहा है तो उसके पीछे सिक्स एलिमेंट है, इट डजंट प्रूव दैट मेरे हिसाब से। तो एज एन एक्सपीरियंस बात ये है नहीं बताओ आपने एग्जांपल दिया उसके आधार से बताओ मैं आपको, जिस प्रकार से आपने मट्टी का घड़ा का एग्जांपल दिया या और कोई भी चीज का आप एग्जांपल दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मिट्टी का घड़ा हो, मकान हो, कार हो या और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, फर्नीचर हो, इसको आप रीबर्थ यूज नहीं कर सकते। कि मेरे 1000 अवतार हो गए। नहीं सपोजिंग मैं सबसे बड़ी बात यह होती है घड़े में ज्ञान दर्शन नहीं है, यहाँ ज्ञान दर्शन है बिकॉज ऑफ द सोल। नहीं ठीक है मैं घड़े का एग्जांपल निकाल देता हूँ उसमें से। सपोजिंग मैं प्रतिष्ठित आत्मा की ही बात करता हूँ, प्रतिष्ठित आत्मा जो मेरी लाइफ प्रतिष्ठित आत्मा है, मैं कहता हूँ कि भाई लाइफ प्रतिष्ठित आत्मा जो कुछ भी भाव करती है उसके हिसाब से लाइफ प्रतिष्ठित आत्मा के हिसाब से नया शरीर खड़ा होता है। बैकग्राउंड में मुझे बताया गया कि एक शुद्ध आत्मा है, लेकिन उस बैकग्राउंड की मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो खाली एक प्रतिष्ठित आत्मा के बेसिस पर कि जो प्रतिष्ठित आत्मा जो भाव करती है उसके ऊपर प्रतिष्ठित आत्मा एक अपने परमाणु इकट्ठे करती है और नया बीज डलता है, नया शरीर उत्पन्न होता है, उसमें से फिर नई प्रतिष्ठित आत्मा खड़ी होती है। तो जब तक ये बिलीफ है कि भी मैं ये शरीर हूं, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है और वो प्रतिष्ठित आत्मा अपने नए परमाणु इकट्ठे करती रहती है और नया शरीर उत्पन्न होता रहता है। तो उसके पीछे जो है शुद्धात्मा का मुझे या तो मुझे एक्सपीरियंस हो कि भाई ये मूल आत्मा है, दैट इज माय क्वेश्चन, कि जब मैंने ये समझ लिया कि भी इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये खाली प्रकृति का पार्ट है, कुदरत का पार्ट है, मैं इसमें हूं नहीं, तो मैं कहां पर हूं? तो वो मुझे एक्सपीरियंस कैसे हो, क्योंकि जस्ट बाय सेइंग कि भाई ये शुद्ध आत्मा पीछे होना ही चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो प्रतिष्ठित आत्मा सब कुछ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा ही है। प्रतिष्ठित आत्मा अपना नया बीज डालता है, बीज ग्रो करता है, नया शरीर उत्पन्न होता है। They have said कि उसके पीछे एक शुद्धात्मा है, लेकिन I do not know that. And just because a new body is getting created, does not prove कि पीछे शुद्धात्मा होना चाहिए। Yes. Now I reply you. बिना आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व हो सकता है? I do not know that. हो सकता है। ऐसे तो वही तो बात है। नहीं theoretical नहीं theoretical बोलो। बिना आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा कैसे होगा? नहीं ये तो अगर इनग्रेन अगर ऐसा बोले कि शुद्धात्मा होना चाहिए तभी प्रतिष्ठित आत्मा होगा, यस दैट इज अ थ्योरी, लेकिन उसके बिना नहीं हो सकता है ऐसा नहीं बोल सकते हैं फॉर द लॉजिक पर्पस। आत्मा नहीं है, एक मिनट, कोई भी जड़ वस्तु है उनकी अवस्थाएं होती है, जैसे मनुष्य की होती है ऐसे जड़ वस्तु की भी अवस्था होती है, ठीक है जी। जैसे मकान होता है, कार होता है, फर्नीचर होता है, सब चीज में बिगिनिंग और एंड होती है और धीरे धीरे उनका आयुष्य कम होता है, यस और नो? राइट। जैसे मनुष्य का होता है ऐसे मकान भी कमजोर होता है, गाड़ी भी डेप्रिसिएशन होता है, हर चीज में फर्नीचर भी धीरे धीरे उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है ये जड़ और चेतन में यही अंतर है कि जड़ की कोई भी अवस्था को हम रीबर्थ नहीं बोल सकते हैं, मगर जड़ शरीर है
उसके साथ चेतन है, इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा है और इसीलिए रीबर्थ का प्रयोग यहाँ हो सकता है। अकेले जड़ की अवस्था रूपांतर में रीबर्थ शब्द या कॉज एंड इफेक्ट शब्द नहीं बोला जाता है। उनकी भी अवस्था है, बिगिनिंग और एंड भी है उनकी। मनुष्य का बिगिनिंग एंड है, ऐसे जड़ वस्तु की भी बिगिनिंग भी एंड है, उनका भी एक लाइफ है। वो तो ठीक है, इसको रीबर्थ शब्द या कॉज एंड इफेक्ट शब्द लागू नहीं होता है। तो जब आत्मा होता है तभी बोलिए। नहीं उसमें तो इनएनिमेट है, इनएनिमेट में तो कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो एक प्योरली मैटर है। लेकिन आपने आपने तो उत्तर दे दिया, जब चेतन नहीं होती तो फीलिंग होता है। नहीं लेकिन नहीं, माय क्वेश्चन इज कि जो फीलिंग वाला पार्ट है, जो कुछ भी जो क्रिएशन वाला पार्ट है, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो उसके अंदर है, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा सब कुछ भी करता है कि भी मैं वो भाव करता है, वो सब कुछ कि भी ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से अलग एक आत्मा है, उसका कैसे मुझे एहसास हो? उसकी जो लाइव है, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें, तो दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसके पीछे अलग से एक चेतन है, तो वो मैंने अब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को निकाल दिया मैंने, क्योंकि सब कुछ करने वाला अब कुदरत है। तो जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा निकाल दिया, तो उसके अलग मुझे जो चेतन है उसका मुझे एहसास होना चाहिए। तो व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगर कहते हैं कि है पीछे, तो नाउ आई विल ओके, मैं आपको शॉर्ट में कंक्लूजन बता देता हूं कि जैसे सूर्य नारायण है जी, सोलार है, और सोलार से घर की लाइट जलती है, तो हम तो यही मानते हैं कि सोलार से चलती है। अगर सोलार बंद हो गया तो लाइट नहीं आएगी, मगर सूर्यनारायण नहीं तो सोलार नहीं चलेगा, और सोलार नहीं आएगा तो फिर लाइट घर में नहीं आएगी। आप कहते हैं मैं सोलार को मानता हूं और लाइट चलती है उसको मानता हूं, सूर्य को नहीं मानता हूं। नहीं, नहीं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करो। सी द सोल पावर, परमानेंट पावर एंड अदर पावर इज created in presence of the soul, it is to be called a pratishthita atma, and then after the pratishthita atma they create the cause, and the nature will create the circumstances. It is the third step of beginning and end. Yeah, atma ke andar beginning and end nahi hai, wo permanent hai. Pratishthita atma ke andar beginning and hai, aur prakriti ke andar bhi beginning and hai. So, first step soul, सेकंड स्टेप प्रतिष्ठित आत्मा, वो कॉज के रूप में है, और थर्ड स्टेप मन वचन काया, वो रिजल्ट के रूप में है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट, प्रतिष्ठित आत्मा लाइव एंड टेम्पररी, बोथ आर द टेम्पररी एंड द सोल इज परमानेंट, बट बिकॉज ऑफ द परमानेंट सोल विथ योर इग्नोरेंसी कॉज एंड इफेक्ट साइकिल इज कंटिन्यूअस। अगर प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि अज्ञान नहीं है, तो उनका रोल नहीं है, तो फिर you can realize yourself with body because there is no curtain. So, dheere dheere, aap isko, maine pehle bhi kaha ki soul is a catalyst. Pratishthita atma is not catalyst and body is not catalyst. Right. Kaam karta hai, dono kaam karta hai. प्रतिष्ठित आत्मा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कॉज के रूप में काम करता है, और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल विद द हेल्प ऑफ नेचर काम करता है, और सोल है वो कॉज भी नहीं करता है, इफेक्ट भी नहीं करता है, वो कैटलिस्ट है। तभी तो यार रीबर्थ है। यू कैन काउंट वन बर्थ, टू बर्थ, थ्री बर्थ, फोर बर्थ। अगर वो आप आत्मा नहीं मानोगे, कॉज इफेक्ट कैसे आएगा? इतने सारे जन्म हुए कैसे बनाएंगे? कौन शरीर बताएगा कि मेरा जन्म हुआ था पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, कैसे बताएगा? अगर कोई व्यक्ति को बताएंगे कि उनके 25 तीर्थंकर भगवान या केवली बताते हैं, उनका 50 भाव के बाद उनका केवल ज्ञान है, कैसे बताएंगे अगर सोल नहीं है? तो नहीं, नहीं, सोल का मैं आई एम नॉट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो ये प्रतिष्ठित आत्मा की बीच में प्रतिष्ठित आत्मा है, वो उसका बर्थ होता है, तो ऑल दैट इज आई वांट, मतलब ये हम समझते हैं, काफी सालों से बात सुन रहे हैं, दादा भगवान से भी ज्ञान लिया, आपने भी उसको फर्दर हमको एक्सप्लेन किया है, तो एज एन अंडरस्टैंडिंग इट इज देयर,
बट नाउ द क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग इज कि जब हम इस कुदरती रचना को समझते हैं और जहां पहले मैं बिठाया हुआ था कि भाई ये मैं यहाँ पर नहीं हूं, तो वो मैं जो है अब जो जिसको कहते हैं कि भाई ये परमानेंट है और मैं शुद्धात्मा हूं, तो जहां मैं पहले बैठा हुआ था वहां से अब निकल गया, तो जो जहां पर होना चाहिए उसको व्हाट इज दैट, तो वो समझने की दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ठीक है एग्जिस्टेंस इतने सालों से सुना है समझा है उसको आई अंडरस्टैंड इट बट एज एन एक्सपीरियंस हाउ डू वी गेट इट just because somebody has said it does not prove that it is there. So that proof is only if I experience it. I agree. किसी ने कहा इसलिए मानने की जरूरत नहीं. Right. So now how do I experience that? कि भी जो शुद्धात्मा है अब मैं जहाँ था वहाँ नहीं है तो अब कहाँ पर है? How do I understand? How do I experience it now? स्वामी जी, वो तो एक प्रश्न है. ये तो एक जीव निगोद से एक इंद्रिय और पांच इंद्रिय तक डेवलप होके आते हैं और बाद में मनुष्य गति मिलता है. वो मनुष्य गति पहले माता पिता ये सब कैसे मिलते हैं स्वामी जी? ये अपने कर्मों के हिसाब से तो मिलता है. वो तो because of our cause. पांच माने जानवर गति से मनुष्य गति पहला जन्म आता है ना, वो तो माता पिता पहला जन्म कैसे मिलता है मनुष्य जन्म में? पहले फर्स्ट होता है एज अ ह्यूमन, उसको कहते हैं बट नेचर. क्या कहते हैं स्वामी जी? बट नेचुरल हाँ स्वामी जी. जैसे ये सूर्य चंद्र होता है वो दिन रात करते रहते हैं, वो बट नेचुरल है, अपने आप स्वयंभू. उसके बाद उनके पास फ्रीडम आती है, बुद्धि मिलती है, फिर वो अपना जीवन खुद बनाता है. कॉज एंड इफेक्ट. हाँ स्वामी जी, वो तो जानवर समय में वो तो कर्म बांधते नहीं. जानवर जन्म से मनुष्य जन्म. आवाज ठीक नहीं आ रही है, आवाज कट जाती है. हाँ अभी स्वामी जी ना, मनुष्य जन्म ये तो जानवर जन्म से कैसे वो तो मनुष्य जन्म मिलता है, वो तो बर्थ नेचुरल कैसे मालूम होता है? ये तो आयुष कर्म एक सब पहला बर्थ बर्थ नेचुरल होता है इन ह्यूमन लाइफ. फर्स्ट बर्थ. हाँ स्वामी जी, वो तो आयुष्य कर्म कैसे होता है उसका? मैंने कहा ना फर्स्ट बर्थ नेचुरल होता है. और उसके लिए आयुष्य कर्म कितना आयुष होता है वो सब मालूम नहीं पड़ता है? सब बिल्कुल नहीं, वो तो मालूम ही नहीं होता है. वो बर्थ नेचुरल होता है, उसके लिए इतना आयुष्य इतना ये सब मालूम नहीं होता है और जरूरी भी है. वो तो बिल्कुल साहजिक होता है, जैसे कहते हैं कि बुद्धि ही नहीं, कैसा वर्क मिला इसको? बुद्धि ही नहीं है. लाइक अ एनिमल, मगर ह्यूमन लगता है, मगर लाइक अ एनिमल. हाँ. उनको खाना पीना कपड़ा कुछ भी नहीं, उनको कल्चर फैमिली लाइफ सोसाइटी कुछ भी नहीं है उनको एज अ फर्स्ट ह्यूमन. हमारे जैसी लाइफ नहीं होती है उनकी. हाँ, वो जंगल में भी हो सकता है उसको वैसे. जंगल में होगा और जंगलों में होगा, जहाँ कोई ह्यूमन जैसा ही नहीं, आकार ह्यूमन का है मगर जैसे हम सोशल एनिमल है ऐसा आपको नहीं लगेगा उसमें. हाँ मालूम हो गया स्वामी जी.
हाँ मालूम हो गया. हाँ ओके स्वामी बोलो सुधा बेन. जय सच्चिदानंद स्वामी. अभी दादा भगवान ने ये अरिसा समय क्या बातचीत करने का तरीका समझाया, फिर डांटने का क्योंकि प्रकृति में इसमें क्या है ऐसे आप उसको डांटो, ये सब प्रयोग बताया. क्या हमको उस प्रयोग की जरूरत पड़ती है स्वामी जी? Spiritual science में या you go beyond, you don't require. तो वो जो बात science नहीं समझ सकते हैं, जिसको science समझ में नहीं आया है उनके लिए जरूरी है. अभी हम पुरुषार्थ में अलग आपके लिए या साइंटिस्टों के लिए जरूरी नहीं है. अगर प्रकृति के अंदर उदय कर्म में लाया है तो भी कुदरती रचना, नहीं लाया है तो भी कुदरती रचना भी. हाँ. हमको इसको पुरुषार्थ दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है. हाँ, नहीं तो हम प्रकृति में घुस जाएंगे. इसका कोई वही तो बात है. हम ये विज्ञान कैसे भी कर को आपको प्रकृति से मुक्त रखना चाहते हैं. हाँ. Don't attach and don't involve with any angle. प्रकृति से कोई भी एंगल से जुड़ने का प्रयास मत करो. अदरवाइज यू क्रिएट सो मेनी पजल इन योर माइंड. ऐसा एक महात्माओं के साथ बात हुई तो ऐसे इसलिए मैंने स्वामी जी क्लियर करने के लिए पूछा था. और एक बात चली कि ये गलती जो प्रकृति में है जैसे मान है, क्रोध है या कुछ भी लोभ ये सब, उसको देखना और उसको पहचानना जरूरी है स्वामी जी? अगर आप पूरी प्रकृति को ही कुदरती रचना देखते हैं, यू डोंट रिक्वायर एनी डिटेलिंग. सही है. इफ यू वांट टू करेक्ट योर प्रकृति देन इट इज रिक्वायर्ड. आपको सुधारना है तो डिटेल में जाने की जरूरत है. आपको मुक्त रहना है तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सही है समझ. जो मकान आपको खरीदना है तो इनको भावताल करने का है, उनका स्पेस देखने की जरूरत है, मकान की कंडीशन देखने की जरूरत है, मकान में फर्नीचर और सुविधा है कि नहीं वो देखने की जरूरत है. जब मकान लेना ही नहीं है तो आपको कोई डिटेलिंग की जरूरत नहीं है. ये सब कंफ्यूजन हो रहा है स्वामी जी सत्संग हमारे डिस्कशन में कि वो भी जा रहे हैं. तो हम उनको अच्छा सिर्फ कुदरती रचना देखने का ही ज्यादा उपयोग करें तो अच्छा है, इससे अलग रहने की प्रकृति से. दैट इज द ओनली अल्टीमेट एंड परमानेंट सॉल्यूशन. बाकी सब सॉल्यूशन जरूर है बट टेम्पररी सॉल्यूशन है. दे क्रिएट सो मेनी पजल इन योर माइंड. अगर हमको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है तो फिर टेम्पररी सॉल्यूशन में क्यों हम डीप में जाएंगे? Why? समझ में आया ना? हाँ समझ. जैसे कोई कहता है तुम बहुत गुस्सा करते हो तो ऐसा करो, अभी तुम देखो कि गुस्से वाली प्रकृति कब कब गुस्सा होता है, क्यों होता है, किसके साथ होता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रायश्चित करो, फिर शक्ति मांगो. सो यू आर एंटरिंग अ प्रकृति. फिर इससे बाहर निकलना आपके लिए आसान नहीं. फिर आप क्रोध लोगे, फिर मान लोगे, फिर माया लोगे, फिर लोभ लोगे, फिर अलग अलग व्यक्ति लोगे. बस आपका पूरा जीवन आपकी या दूसरे की प्रकृति को देख देखने में ही खत्म हो जाएगी. ऐसी बात वो दादा वाणी में आई स्वामी जी कि आपको नहीं देखा तो आप वो जमीन जाएगा बारिश गिरने से ऐसे उग जाएगा, इसलिए आपको उसको देखना है कि क्या है उसमें प्रकृति में. मगर आपको ये बात
आपको ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने खुद ने कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला तो मिला भी नहीं, तो उनके पास ऑप्शन क्या था यही बताने का? नहीं समझ में आया? हाँ समझी। जब उन्होंने कहा निकला ही नहीं तो लोगों को मिला नहीं, तो लोगों को नहीं मिला तो वो क्या मिला? कोई रिलेटिव सत्य मिला है। जब सनातन सत्य नहीं मिला तो रिलेटिव सत्य तो मिला ही है ना, उसमें हम कहाँ मना करते हैं? और वो भी तो अच्छा है, बुरा तो है नहीं, रिलेटिव सत्य भी तो अच्छा है। वो सनातन सत्य नहीं है मगर टेम्पररी पे हेल्प करता है ना, हेल्प करता है। सही। ओके समझ। जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। जय मणिपत्र। यस जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि कोटि नमन वंदन। आवाज आ रही है? या आ रही है। मैंने गए शनिवार को हाँ स्वामी जी, गए शनिवार को मेरी जिज्ञासा थी, उसी के बारे में और पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो समझ है वो सही है कि नहीं, वो समझाने की कृपा करना। यह मेरा वर्तमान जीवन उदय कर्म के अधीन है। मेरा कोई व्यक्ति अच्छा या खराब करना चाहता है या मेरे बारे में अच्छा या बुरा सोचता है तो मेरा यह उदय कर्म ही है। तो मेरे को यह पूछना था स्वामी जी कि मेरे उदय कर्म के अनुसार ही सामने वाले व्यक्ति के अच्छे या बुरे भाव होंगे और उसके अनुसार फिर उसके मन वचन काया से डिस्चार्ज होगा, ये ऐसा ही है मैं जो समझ रहा हूँ? देखो, जब डिस्चार्ज मन वचन काया में लेकर आए आप या वो तो मैकेनिकल पार्ट है ही, मगर वो उनके साथ जो भाव करता है वो डिस्चार्ज नहीं है और आप जिम्मेदार नहीं है, इनका जिम्मेदार है। महावीर को देख के मेरे को राग हो जाए और मैं कर्मचार कर लूं, उसके लिए महावीर जिम्मेदार नहीं है। समझ में आया? हाँ। मेरी अज्ञानता की वजह से मैं कर्मचार करूंगा, उसमें सामने वाला व्यक्ति कैसे जिम्मेदार होगा? बराबर। अज्ञानता मेरी है इसलिए मैं कर्मचार करता हूँ, इनके लिए मैं सामने व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल कैसे बोल सकता हूँ? और सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी करता है मेरे साथ वो तो कुदरती रचना है, एज अ फिजिकली स्पीच वाइज जो भी कहो। नहीं, मेरा पूछना ये था स्वामी जी, इसमें हाँ आ रहा है परंतु मेरा पूछना ये था स्वामी जी, हाँ कौन आ गया था, हाँ मेरा पूछना ये था स्वामी जी कि मैं जैसे किसी को कोई बात करता हूँ प्लानिंग की और फिर उसके मन वचन का जो डिस्चार्ज होता है वो पहले से फिक्स होता है कि इसका ऐसा आंसर होगा और जैसे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये कुदरती संयोग ऐसा बैठेगा? फिक्स वो पूछना चाहता हूँ। फिक्स है जो भी आएगा। हाँ फिक्स है नहीं, उदाहरण देके समझाइए आप मेरे को, इसमें क्लियर थोड़ा समझना था। फिक्स का मतलब क्या होता है भाई? जो होने वाला है वही होगा। हाँ निमित कोई भी क्यों ना हो। हाँ आपको आपका बुरा होने वाला है तो निमित कोई भी मिलेगा आपका बुरा होगा, आपका अच्छा होने वाला है तो भी इस प्रकार के संयोग मिलेंगे। जब आपको सफरिंग आएगी तो एज पर योर कर्म एंड सर्कमस्टेंसेस आर गिवन बाय द नेचर। आप समझे ना, तो आप संयोगों को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं, कर्म को जिम्मेदार मानोगे अपना। तभी तो हम दुनिया को अकर्ता और निर्दोष दे सकते हैं। और आज हमारी जो प्रकृति भुगतान कर रही है उसके लिए आज हमारी प्रकृति आज जिम्मेदार नहीं है, कर्म तो पिछले अवतार में किए थे। आज तो ये प्रकृति भी इंस्ट्रूमेंट है। क्या है इंस्ट्रूमेंट? समझ में आया? हाँ। सामने वाला व्यक्ति भी निमित्त है और ये प्रकृति भी निमित्त, दोनों निमित्त है।
अच्छा जैसा अपना दोनों में से कोई भी हाँ बोले बोलिए इसीलिए कहा कि दोनों निमित्त है एक दूसरों के लिए। आज दोनों में से एक भी प्रकृति नहीं है और दोनों प्रकृति अपने ही कर्मों का हिसाब खत्म कर रही है कानून के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। हाँ हाँ समझ हाँ इसलिए मैं जो समझ रहा हूँ कि मेरा जैसा उदय कर्म है वैसा वैसे मैं जैसे कोई करूंगा तो उसी हिसाब से उस सामने वाला का वाणी से डिस्चार्ज होगा मन वचन काया से ऐसा ही नहीं। वो उनका उदय कर्म है आप दूसरों के साथ हाँ दोनों का मान रहा हूँ। हाँ यही तो होगा ना। हाँ एक जिज्ञासा और स्वामी जी अगर मेरा पैसा जान अगर मेरा पैसे का नुकसान होने वाला है ये मेरा कर्म है तो कोई दोस्त मेरे को फोन करके बताएगा कि ये स्टॉक मार्केट का स्टॉक ले लो आपका पैसा एक महीने में 5 गुना हो जाएगा और आपने उसके ऊपर विश्वास रखा ले लिया फिर 100 रुपयों का 10 रुपया हो गया अभी क्या करोगे कुछ क्या कर सकते अपन कुछ नहीं कर सकते। तो फिर संजोग ऐसा मिला कि नुकसान होने वाला है तो संजोग भी ऐसे मिला बराबर यही तो देखना है हमको भैया। हाँ और ऐसे प्रॉफिट होने वाला है तो भी संजोग ऐसा अच्छा मिलेगा मगर कर्मों के ऊपर आधारित है उसमें दोनों में किसी की फ्रीडम वो सामने वाला व्यक्ति ने फोन किया वो भी उनका इंटेंशन खराब नहीं था कि आपको नुकसान हो गए बराबर मगर आपका कर्म ऐसा था और वो निमित्त बन गए कभी कोई जगह कभी कोई विदेश में हम अगर रहते हैं विदेश में वहां तो लॉटरी सिस्टम चलती है ठीक है तो कोई जगह दुकान में शॉपिंग करने के गए हमने $100 की नोट दिया फिर उनके पास $2 कम थे तो बोला आप कल आके ले जाना फिर उन्होंने मजाक में बोल दिया देखो साहब अगर आपकी इच्छा है तो $2 की मैं $2 की लॉटरी दे दूं उसमें 2200 मिलियन का उसका इनाम रखा गया है अगर आप तो लग भी सकता है अगर आप दे दो आपको इट इज नॉट कम्पल्सरी आपने कहा चलो कोई बात नहीं दे दो और आपने ले लिया और आपका तकदीर था तो आपको लग गई तो क्या उन्होंने दिलवाई आपको बराबर। हाँ स्वामी हाँ आवाज नहीं आ रही है आपके ही कर्मों का फल आवाज 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 क्लियर नहीं आ रही है आवाज हाँ सही नहीं आ रही है कट कट के आ रही है अभी 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 थोड़ी आ रही है लॉस होता है वो हमारे कर्मों के नियमित रूप से संजोग देते हाँ तो नित हमेशा निर्दोष होता है आप समझे कर्म होता है पाप में भी और पुण्य में भी। हाँ 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 और इसलिए सामने व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करना ठीक नहीं है बराबर बाद में हमारे दोनों के व्यवहार में सामने वाला व्यक्ति क्या भाव करता है वो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए बराबर ये उनकी स्वतंत्रता है। हाँ हाँ इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है नहीं हाँ हाँ और इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है नहीं है। हाँ इससे हाँ ये समझ रहा हूँ साइंस पर मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ स्वामी जी कि ये जो मन वचन काया को जो अपन कई कई जन्मों से मानते आए हैं उससे निकालना ना फिर तब हो जाता है ऐसा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है ऐसा इस हिसाब से क्लियर करना चाहता था। यस हाँ स्वामी हाँ एक जिज्ञासा और थी पूछ सकता हूँ इसी से संबंधित थोड़ा रिलेटिव है
उदाहरण जैसे मैं आज से 2 साल आगे कि इस जीवन के अंतिम समय तक के लिए कोई प्लानिंग करता हूं या भाव करता हूं या भाव आते हैं तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में जाएगा या फिर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में जाएगा? डिस्चार्ज में जैसे आपको सिद्धांत मालूम होना चाहिए। एक मिनट आपको सिद्धांत मालूम होना चाहिए। अगर आपका कोई भी प्रकार का भाव विचार इस बर्थ के लिए जुड़ा है वो सब डिस्चार्ज है, वो सिद्धांत मैंने बताया है। बराबर है, समझ रहा हूँ, इसीलिए आपको आंसर मिल जाना चाहिए। हाँ समझ रहा हूँ। हाँ स्वामी जी, तो फिर जो तो मेरा उदाहरण है जैसे कि आपके इस आध्यात्मिक विज्ञान को या कुदरत के सनातन सिद्धांत को आगे बढ़ाने का भाव है, भाव करता हूं तो वो इस डिस्चार्ज प्रतिष्ठा आत्मा में ही जाएगा क्या? चार्ज होगा नेक्स्ट बर्थ में, यूं पूछ रहा इस लाइफ। हाँ, हो जाते हैं इंटेंशनली वो पार्ट होता है। हाँ, डिस्चार्ज तो है मगर इन्वॉल्व हो गए तो चार्ज होता है। इन्वॉल्व हो चार्ज, बिकॉज हमको जरूरत है। जैसे मैं भावना करता हूँ कि मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो अभी ये बोल तो डिस्चार्ज है। बराबर, मगर भाव करने वाला इन्वॉल्व हो गया तो चार्ज हो गया। चार्ज होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। अगर चार्ज भाग डिस्चार्ज भाग में इन्वॉल्व हो गया तो चार्ज हो गया। बराबर, नहीं तो डिस्चार्ज तो है ही। डिस्चार्ज है। तो जो बातों में हमको इंटरेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ऐसी बातें प्रकृति से निकलती है फिर भी हम इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज हम इसको कैरी फॉरवर्ड चाहते हैं। बराबर। हाँ, जैसे जैसे ये भाव में हमको ज्ञानी मिले अनुभवी, हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा मेरे को ऐसे अनुभवी ज्ञानी हर बर्थ में मिले, तो बोलने वाला तो डिस्चार्ज है मगर जुड़ने वाला डिस्चार्ज नहीं है ना। हाँ, तो वो कर्म चार्ज होगा। सेम प्रिंसिपल व्हेन यू अटैच विद द पार्ट ऑफ दिस इट इज कन्वर्ट इन अ चार्ज। बराबर। बट व्हेन यू डिटैच विद द पार्ट बट व्हेन यू डिटैच विद द पार्ट ऑफ संकाया इज ओनली डिस्चार्ज। हाँ, समझ में आ गया? हाँ समझ। हाँ हाँ अभी चंद्रकांत भाई ने अभी अभी जो इससे पहले जो भाई थे महात्मा थे उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा चार्ज नहीं होता है, तो अभी आप बोले कि भाई उसके अंदर मेरे को तन्मयाकार होना है तो क्योंकि उसको मेरे को अभी जरूरत है। ऐसे ही ये प्रकृति से मेरे को क्रोध हो जाता है जो अभी मेरे को नहीं चाहिए, मतलब मेरे को नहीं चाहिए मतलब ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक नहीं है, तो उसके लिए भी तो मेरे को ये दोष को ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं कि ये नहीं चाहिए क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक नहीं है, ये क्या है स्वामी जी? यही तो बात है, हम उसको भी करेक्ट ही कर रहे हैं ना अभी भी। आप स्पिरिचुअल साइंस में इसकी जरूरत नहीं है और आपको अगर प्रकृति को सुधारना है तो इसकी जरूरत है बोल रहे हैं। अभी महात्मा ने अभी यही पूछा कि मेरे को इसमें क्या बोलना चाहिए। एक मिनट, आपका आवाज कट रहा है स्वामी। अभी आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन्वॉल्व किसमें होंगे, जो हमको अभी जो मार्ग मिला है विज्ञान का वो विज्ञान के मार्ग में सहायक है तो हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। जो धार्मिक मार्ग में सहायक है इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो भी तो अच्छा है। नहीं नहीं, धार्मिक मार्ग में ये मेरा प्रश्न ये नहीं है मारा स्वामी जी, धार्मिक मार्ग नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी प्रकार का मेरे में क्रोध मान माया। नहीं, पहली बात, एक मिनट,
पहली बात आप सिंपल सुन लो कि स्पिरिचुअल पाथ के अंदर यू अटैच विद द प्रकृति विद एनी एंगल दे क्रिएट सो मेनी पजल एंड यू हैव नो एनी परमानेंट सॉल्यूशन. प्रकृति को देखना, प्रकृति को डांटना, यू हैव टू इन्वॉल्व, इसके बिना तो नहीं हो सकता है. फिर भी अगर आप उस अवस्था को कुदरती रचना मानते हैं तो फिर प्रश्न नहीं है, पुरुषार्थ उदय करना. तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो स्वामी जी ये तो अगर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और इतने टाइम से आपका प्रवचन मतलब जो भी है ये विज्ञान को समझ रहे हैं सुन रहे हैं तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल मतलब महात्मा के पास है ही कि कुदरती रचना में दर्पण के सामने बैठना उदय कर्म होगा तो ही बैठा जाएगा, नहीं तो आप कैसे बैठ सकते हैं, दर्पण के सामने बैठने का सवाल ही नहीं उठता है. वो तो बेसिक है स्वामी जी, वहां से तो चल रहे हैं, उसी समझ से तो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो समझ हाँ, तो पहला पाया मैं समझ है, गया, मैं समझ गया कि आप इसको उदय कर्म मानते हैं, वो भी समझ गया, मगर आपको प्रकृति को सुधारने की क्या जरूरत है, आपको नहीं मालूम है कि जो प्रकृति एक मिनट हाँ बोलिए प्रकृति को नहीं सुधारना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. अभी आप बोले कि ये मेरे को संजोग आगे क्यों देखना है, नहीं एक मिनट तो फिर क्यों देखना है, क्यों उसको टोकना है, बताइए मेरे को. मैं भी यही बोल रही हूँ स्वामी जी, यही आप जो बोल रहे हैं ना यही मेरा प्रश्न है, इसी का मेरे को जवाब चाहिए. मुझको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मेरे को क्यों चाहिए आगे. हाँ अज्ञान निकालने के लिए, केवल दर्शन के लिए, केवल दर्शन अज्ञान निकालने के लिए मेरे को अभी किसमें मोक्ष मार्ग के लिए, क्या मैं ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक नहीं, यही इंटेंशन बुरी हाँ तो अच्छी बुरी है इसीलिए नहीं. हाँ यही तो मैं बोल, जब मेरे को क्रोध आता है जब भी तो मेरे को यही भाव होना चाहिए कि ये तब मैं बोलती हूँ ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये डिस्चार्ज है, मैं अच्छा काम करती हूँ, तब मेरे को ये सोचना है कि हाँ ये मेरे को जरूरत है, ये मेरे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मिले, ऐसा नहीं. नहीं नहीं, मैंने पहले आप सिंपल डेफिनेशन समझ लो, मैंने सत्संग में बार बार कहा है अगर आप मन वचन काया बुद्धि चित और अहंकार ये छह चीजों की अवस्था से मुक्त रह सकते हैं तो और कोई प्रेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर वन. नंबर टू, अगर आपकी प्रकृति बार बार एक ही प्रकार की गलती करती रहती है इसमें आप आपकी कमजोरी की वजह से सेपरेट नहीं रह सकते. लिसन द कंडीशन, योर इंडिविजुअल वीकनेस, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल फॉर ऑल. ओके, तो फिर आपको प्रेयर करना है कि ऐसी प्रकृति मेरे को नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, नॉट गुड एंड बैड. ठीक है, बट आप सेपरेट रह सकते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल प्रेयर. एग्जैक्टली, अब मैं तो यही तो मैं बोल रही हूँ, मैं जो संजोग मेरे मतलब प्रकृति के अंदर बहुत गार्ड है और वो समय पे मेरे को जागृति नहीं रहती है, वो समय पे मेरे को समझ में आया कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को ये डिफ्रेंशिएट करने में वो संजोग में ये डिफ्रेंशिएट कुछ संजोग में रहता है, कुछ संजोग में ये भान मेरे को नहीं रहता है क्योंकि संजोग भारी है और मेरा डेवलपमेंट कम है, तो yes. मेरे को उसके अंदर ध्यान नहीं रहता है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मुझको ऐसा ही लगता है उस समय पे कि मेरे साथ ही हो रहा है, तो उसको अलग करने के लिए मेरे को कुछ प्रोसेस, भले ही मैं प्रकृति में नहीं घुसना चाहती हूँ बट संजोग में नहीं रहा जा रहा है, वो इतना बड़ा है तो उसको मैं कैसे डील करूंगी स्वामी जी. वही तो प्रेयर मैंने बताया, मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं चाहिए. अभी संजोग क्यों मिला आपको, बताइए मेरे को, इतना भारी संजोग क्यों मिला, क्योंकि डाला है अज्ञानता की वश में हमने उसको डाला है. That's it. तो बीज डाला तभी मिला ना, तभी आप कहते हैं संजोग मेरे को नहीं चाहिए, बीज डाला तभी मिला है वो संजोग को, वो अभी अभी आप प्रेयर चेंज करते हैं संजोग नहीं चाहिए मेरे को क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक नहीं है.
नहीं आपकी साइन नहीं, आपकी एक मिनट, आपकी साइन नहीं है तो क्या रिपोर्ट होगा? नहीं होगा स्वामी जी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, इतना इनफ है बट फिर भी ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक नहीं है, और इसके लिए मेरे को ये नहीं चाहिए। ये एक मैकेनिकल, मतलब इसकी डेप्थ मेरे को नहीं मालूम है। आपने शब्द दे दिया, हमने पकड़ लिया और हम बोल देते हैं। हमको उसको समझना, मेच्योरिटी से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्यों, क्या, किसकी वजह से वो मेरे को चाहिए क्या, और ये हो क्या रहा है, और ये होता क्यों है। मतलब मेरे को ये लेवल पार करना पड़ेगा स्वामी जी। मैं आप ये सब मैं बोल देती हूँ, मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक नहीं है, इसके लिए मेरे को ये संजोग नहीं चाहिए, उसके पीछे मेरा कोई गहरा डेप्थ वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कैसे काम करेगा? आप बोलते हैं आपके चाहने से भाव नहीं पड़ता, कुदरत डिसाइड करती है क्या देना है क्या नहीं देना है। ये मैकेनिकल हो, मतलब आपने बता दिया कि ऐसा भाव करो, हम ये बोल भी देते हैं, बट हम उसके अंदर बोलने के पीछे हमारी समझ नहीं होती तो हम जुड़ नहीं पाते, ऐसा मेरे को लगता है स्वामी जी कभी कभी। पहली बात ये है, मैकेनिकल हो जाता है, एक बोल दिया कुछ भी ऐसा हुआ, हमने ये सेंटेंस बोल दिया और बात खत्म हो। एक मिनट, ये सेंटेंस बोलने के अलावा, ये सेंटेंस को आप अभी साइड में रख दो, इसके अलावा सभी साइंटिस्टों के पास कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना का साइंटिफिक विजन समझ के साथ है कि नहीं है, तो इसको मैकेनिकल कैसे बोला जाएगा? नहीं नहीं, संजोग भारी है, डील करना नहीं आ रहा है, ये बोल दो और बात खत्म। एक मिनट, संजोग भारी है वो मैंने स्वीकार कर लिया, इसके पीछे आपके पास साइंस का विजन है या नहीं? तन्मयाकार हो गई तो विजन नहीं रहा ना इंटैक्ट। तन्मयाकार नहीं है, वो समय की बात है, मगर है कि नहीं है? वो तो है, इंटैक्ट है, 100% ओके, एक मिनट आओ, तो वो है फिर भी तन्मयाकार हो गई है क्योंकि भारी संजोग है, और क्यों भारी संजोग आए? क्योंकि हमारा कॉज था, तो हमको क्या करना है? कॉज को बदलना है, संजोग को नहीं बदलना है, संजोग का एनालिसिस निकाल, हमको चाहिए ही नहीं, नो राग नो द्वेष। सही, हम ऐसा नहीं कहते कि व्यक्ति गलत है, उनकी भाषा गलत है, उनका विचार गलत है, उनका वर्तन गलत है, उनका व्यवहार गलत है, मेरे को ये संजोग नहीं चाहिए क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए लायक है, उसमें गुड बैड नहीं आता है ना, गुड बैड की बात नहीं है, और गुड बैड ही राग द्वेष है, पर ये मार्ग सही, आप सही बता रहे हैं, गुड बैड ही राग द्वेष है, ये गुड संजोग के अंदर मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक नहीं है, ऐसा भी नहीं लगता है, ये अच्छा संजोग है, इसको चलने दो, मैं बहुत पुण्य करती हूँ, मैं बहुत सेवा करती हूँ, इसको चलने दो, ये तो चलता है, तब कहाँ आप कुदरती रचना देख करके ये संजोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक नहीं है, ऐसा किसको, किसी को, मेरे को तो याद नहीं रहता स्वामी। हाँ, मगर आप याद नहीं रहता है, आप बोलते हैं और आप यही मानते हैं कि मैं संजोग को देखती हूँ, इट मीन्स कि यू आर सेपरेट। अच्छा, आप जब खुद बोलते हैं तो मैं क्या कहूंगा, आखिर देखना जानना तो आपका काम है। हाँ, डीप में तो जाना ही पड़ेगा, मैं भी यही कहती हूँ, कुदरती कुदरती रचना के रूप में देखते हैं तो इट इज मोर देन मैं करने वाली नहीं हूँ, ऐसा रहे तो वो ठीक है, बस इतना बस है उसमें, वो भी सम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, नॉट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब यानी सभी संजोग में भी इस प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कभी कभी कोई हैवी संजोग आ जाता है जिसमें हम सेपरेट नहीं रह पाते हैं, प्रयास करने के बावजूद आवश्यकता है। आवाज कट रही है पर मैं सूरत से राजू बोलू छू, તમારો યુટ્યુબ માં સત્સંગ સાંભળું છું ને મને બહુ આનંદ દે છે, પણ તમારા આશીર્વાદ લેવા માટે ફોન થયો। ઓકે ઓકે, બસ મેરા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ દે, આપ ખૂબ પ્રગતિ કરો, હા, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, યસ યસ। ઓકે, અભી દીપક ભાઈ બોલો। હા દીપ,
ये म्यूट हो गया अभी उनका। माफी नेहा कोठारी अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी जो आपने एक सवाल का जवाब दिया कि ये संजोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है और मुझे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, ये प्रार्थना है। पर स्वामी जी, मेरे को एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम संजोग बदलने की बात क्यों करें? इसके बदले हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हर संजोग में मैं इससे अलग रह सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो? ये हमारे पुरुषार्थ की क्षमता के बियॉन्ड होता है, जिसको हम सेपरेटली नहीं देख पाते। दिस इज अवर इंडिविजुअल वीकनेस। ऐसे संजोग के लिए ही प्रेयर करना है कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार के संजोग मेरे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, बिकॉज ऑफ मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, गुड बैड है, इसीलिए नहीं। तो स्वामी जी, ये तो संजोग अपने ऊपर भारी पड़ा, ये तो हमारी कमजोरी है, तो हमको उस कमजोरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि भाई जैसे भगवान को तो बहुत बड़े बड़े एकदम खतरनाक उपसर्ग आए, जो है उस प्रसंग में भी वो जब अलग रहे तभी तो उनको केवल ज्ञान हुआ। तो जैसे जो भी प्रसंग आवे, तो उस जैसे सपोज कुछ हुआ बड़ा और मैं उसमें मिक्स हो गई, मैं उसमें अलग नहीं रह सकी, तो मेरे को ये प्रार्थना करनी चाहिए ना कि जो भी संजोग आए उसमें मैं उसमें अलिप्त रहूं, उससे अलग रहूं, ऐसी शक्ति शुद्धात्मा भगवान से मांगनी चाहिए। शक्ति मांगना अलग बात है, हाँ, और उसके लिए प्रार्थना करना ये कि मेरा संजोग नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट पुरुषार्थ हो गया। और शक्ति तो आप मांग सकते हैं ना, इट्स अ जनरल मैटर। अच्छा, तो करना क्या? मैं मन वचन काया की हर एक मिनट मैं मन वचन काया की हर अवस्थाओं से मुक्त रहूं, ऐसी हे परमात्मा मेरे को शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, वो तो कॉमन भावना हो गई। हाँ। और ये जो प्रेयर करते हैं वो इंडिविजुअल करते हैं, सब्जेक्ट टू, नॉट फॉर द ऑल, ऑल सर्कमस्टेंसेस। पर स्वामी जी, इसमें ऐसा नहीं कि हम संजोग से डर गए? डरने गए ना, हमारी कैपेसिटी ज्ञान दर्शन की इतनी नहीं है। हाँ, तो कैपेसिटी बढ़ाने की नहीं होनी चाहिए बात? तो कैपेसिटी बढ़ानी है हमको तो शक्ति तो मांगना है, वो अलग सब्जेक्ट है, मगर हाँ। ट्रांजेक्शन में से तो बाहर निकलना है ना, नहीं तो फिर राग द्वेष हो जाएगा। अच्छा। हमको कैसे भी करके, लिसन केयरफुली, हाँ। हम अगर पावरफुल है, हाँ। या पावरफुल नहीं है, वी हैव टू ऑप्शन। अगर पावरफुल है ज्ञान दर्शन से तो हम सेपरेट रह सकेंगे। अगर जो संजोग में हम पावरफुल नहीं है उसमें से अलग तो नहीं रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी कमजोरी, मगर तो कर सकते हैं ना कि हमको ऐसा संजोग चाहिए, दैट्स इट। संजोग तो बच गए ना हम केयरफुल होने के लिए। अच्छा, कैसे भी करके आप अलिप्त रहोगे तो भी केयरफुल नहीं होगा, और नहीं मांगते तो भी नहीं केयरफुल होगा, तो रिजल्ट तो इक्वल आया ना। नहीं स्वामी जी, आप अब ठीक है, जैसे स्वामी जी आपको हमेशा समझाते हैं प्रतिक्रमण नहीं करना है, क्योंकि प्रतिक्रमण की बात ही कहाँ आई, नहीं कि आगे जो भी होगा, मतलब जो भी पीछे हो गई गलती हो गई, उससे डर के हमको पहले के प्रतिक्रमण अगर याद आए तो कर लो, नहीं तो बैठ के उसको करने का नहीं, क्योंकि जो आएगा उसको अपने को विषम भाव से देखना है, यू नो, अलिप्त रह के देखना है। तो ये भी अगर सपोज बहुत बड़ा कुछ मेरा किसी के साथ हो गया और उस समय में उसमें मिक्स हो गई, तो भाई ये संजोग तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं, और हर मुश्किल से मुश्किल संजोग में मैं उससे अलग रह सकूं, हे हे भगवान मुझे इसमें ऐसी शक्ति प्राप्त कराओ, ऐसा सही नहीं होगा? तो ये दो प्रार्थना कर सकते हैं ना,
ये कर सकते हैं ना, मगर पहले संजोग को तो कैरी फॉरवर्ड करना है, तो फर्स्ट कंडीशन। हाँ, फिर अलग रहने की शक्ति मांगना वो दूसरा प्रेयर है। अच्छा ठीक है, वो तो ऐसे भी मांग सकते हो। हाँ, वो ऐसे भी मांग सकते हो कि हे भगवान, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन में रहने की और सभी संजोगों को देखने की शक्ति दो। वो तो ऐसे भी मांग सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। हाँ ठीक है स्वामी जी, ये ट्रांजेक्शन की बात है और ये जनरल कट गया था सर। मैं ऐसी शक्ति मांगू के हे अंतर्यामी, एक मिनट, अगर ऐसी शक्ति मांगू के हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं मन वचन काया और पांच इंद्रियों से जीती हुई हर अवस्था को कुदरती रचना देखूं, ऐसी मेरे को ज्ञान दर्शन प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो, तो ये शक्ति मांग सकते हैं। इट इज अ जनरल मैटर। हाँ, और ऐसा संजोग नहीं चाहिए, इट इज अ पर्टिकुलर, नॉट जनरल। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ स्वामी जी, कि जब कोई ऐसा प्रसंग आए तो दोनों तरह की चर्चा करनी चाहिए। हाँ, देयर इज नथिंग लॉस। हाँ हाँ, नहीं समझ में, सही बात। ઉદય કર્મ ને આધીન જ છે કે શું, એનો મારો પ્રશ્ન હતો પ્રભુજી, જે સાધુ સંતો પણ આત્મહત્યા કરે છે તો તે પણ ઉદય કર્મ ને આધીન જ કહેવાય? હે પ્રભુજી, નહીં માનતે હું ઉદય, એટલે કોશિશ કરવી અને આત્મહત્યા થઈ ગઈ એને ઉદય કર્મ ને આધીન જ કહેવાય ને? મારું, હું તો ઉદય કર્મ ને આધીન જ માનું છું એમ, તો ફિર ઉસમેં સંશય ક્યાં હે? ના એટલે બરાબર છે ને, ઉદય કર્મ ને આધીન જ આત્મહત્યા થાય છે ને જે કરવા વાળા કરે છે? આપકો આપકો એસા પ્રશ્ન કરના ચાહીએ કે જો લોગ આત્મહત્યા કર રહે વો ઉદય કર્મ કે આધીન હી હે ને, તો મેં કહુંગા હા, પ્રશ્ન ખતમ હો ગયા। બરાબર, જય સચ્ચિદાનંદ, બરાબર છે, જય સચ્ચિદાનંદ, બરાબર છે। ના એટલે સાધુ સંતો કરે એટલે આપને જરા ઓલું લાગે ને પ્રભુજી, એમ કોઈ ભી સાધુ સંત ઇન્સાન નહીં હો? હા, ઇન્સાન જ છે, બરાબર છે। તેમાં 50% સમાજ નો વાક પણ ગણાય, 50% સમાજ નો પણ વાક ગણાય કે નહીં? નિમિત નો દોષ એમાં નહીં દેવાનો, નિમિત ને પણ દોષ નહીં દેવાનો સમાજ ને 50%? બિલકુલ બિલકુલ નહીં, નહીં, નિમિત નો નિમિત જ છે એમાં, બીજો એમનો દોષ નથી સમાજ નો પણ। સબકે લિયે કાનૂન એક હી હોતા હૈ, અલગ અલગ કુદરતી કાનૂન બધાને લાગુ પડે। કુદરતી કાનૂન હર ઇન્સાન કે લિયે તીર્થંકર હૈ, આમ આદમી હૈ, ચક્રવર્તી હૈ વાસુદેવ પ્રતિ વાસુદેવ યા આમ ઇન્સાન, સબકે લિયે કુદરત કા કાનૂન એક હી હૈ, અલગ અલગ નહીં હૈ। બરાબર છે। અને જ્ઞાની પુરુષની વાણી જે નીકળે એ ભૂલ વગરની પણ ક્યારેક ભૂલ વાળી પણ નીકળી શકે, જ્ઞાની પુરુષ જે હોય? મારા ખાસ તો પ્રવચનકાર ઘણા ટીવીમાં આવે છે તો ઘણી વાર ભૂલ ભરેલી વાણી નીકળી જાય છે, તો એ જ્ઞાની પુરુષની વાણી તો ન નીકળે ને ભૂલ વગરની? દાદા ભગવાન એ કહેતા કે જ્ઞાની પુરુષની વાણી ભૂલ વગરની જ નીકળે એમ, કે એમાં પણ ઉદય કર્મ ને આધીન ભૂલ વાળી વાણી નીકળી શકે? મન વચન કાયા કા કંટ્રોલ કિસી કે પાસ હૈ નહીં, ઓર જો લેકર આયે વોહી નિકલેગી। आपने तो जबान की बात किया कि भूल वाली जबान निकलेगी कि नहीं, मगर हाँ। राम ने तो लाखों लोगों को हिंसा कर दिया, क्या वो एक्शन गलत नहीं है? बराबर, तुमने तो स्पीच की बात किया, मैं तो एक्शन की बात करता हूँ, वो गलत नहीं है? फिर भी बॉक्स में गए नहीं, पण व्यासपीठ पर बेसीने भूल वाणी वाणी निकले तो एमा दोष कोने लागे? पछी લાખો ભક્તો સાંભળવાળા હોય, અગર વો વાણી કે માલિક હૈ તો જિમ્મેદાર હૈ, માલિક નહીં હૈ તો જિમ્મેદાર નહીં હૈ। માલિક હૈ તો જિમ્મેદાર હૈ, અચ્છી કે લિયે ભી ઓર બુરી કે લિયે ભી, અગર માલિક નહીં હૈ તો અચ્છી કે લિયે ભી જિમ્મેદાર નહીં હૈ, બુરી કે લિયે ભી નહીં હૈ। વિજ્ઞાન તો વિજ્ઞાન હોતા હૈ, તુમ્હારી કમજોરી હૈ તો ઓર ક્યા કરેંગે,
मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, आप नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो आपकी अज्ञानता है। अज्ञानता है, कर्म बनेंगे, कुदरत इसका फल देंगी। फिर आप कौन है वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, अज्ञानी है, अज्ञानी है, विज्ञानी है, कोई भी है, जब गलती किया है तो भुगतान करना ही पड़ेगा। रामकृष्ण माहिर को भी करना पड़ा। कुदरत के कारण सबके लिए अलग अलग नहीं है, माने या ना माने कंपलसरी है, नहीं माने तो भी कंपलसरी है। मगर जब मालिक बन गए तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मालिक नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं अपने मन वचन काया का मालिक हूं तब मैं 100% जिम्मेदार हूँ, मालिक नहीं हूं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार नहीं हूँ तो फिर कर्म नहीं बनेंगे। मालिक हूँ तो फिर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, भुगतान भी करनी पड़ेगी, अच्छी के लिए भी मान सम्मान मिलेगी और गलती के लिए नरक की सजा भी मिल सकती है। आपके एक वचन से, अगर आप मालिक है, आप वाणी के मालिक है और आपके एक वचन से लाखों लोग गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपको नरक गति भी मिल सकती है, चाहे कोई भी पोस्ट पे क्यों ना हो। बराबर, समझ में आया? हाँ हाँ, हाँ जी स्वामी जी। तो यहाँ सिद्धांत क्या है, मालिक की भाव है कि नहीं वो प्रिंसिपल है, मन वचन क्या बोलता है वो प्रिंसिपल नहीं है। तो सिद्धांत ये ध्यान में रखो, अगर मन वचन का आया कि मालिक की है तो जिम्मेदार है, मालिक की नहीं है तो जिम्मेदार नहीं है, यही सिद्धांत ध्यान में रखो। ठीक है? हाँ जी, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, अभी कोई बाकी है? परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है।